ભારત સરકાર દ્વારા ચાલી રહેલા જળ શક્તિ અભિયાન અંતર્ગત બુચરવાડા હાયર સેકન્ડરી હાઈસ્કૂલમાં વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ યોજાયો. દીવના તડ ચેકપોસ્ટ નજીક આવી ગવર્મેન્ટ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ બુચરવાડાના પ્રાંગણમાં જળ શક્તિ અભિયાન અંતર્ગત વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમનું આયોજન થયું. આ પ્રસંગે દીવ માટે કેન્દ્ર સરકારે નિયુક્ત કરેલા નોડલ ઓફિસર અલકા અરોરા, તેમની ટીમ, દીવ જિલ્લા કલેક્ટર શ્રીમતી સલોની રાય, ડેપ્યુટી કલેક્ટર હરમિન્દરસિંહ, અધિકારી ગણ, શિક્ષક ગણ અને વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમની શરૂઆત ઉપસ્થિત મહાનુભાવોને પુષ્પગુચ્છ આપી કરવામાં આવ્યું. કાર્યક્રમમાં અલકા અરોરા અને કલેક્ટર શ્રીમતી સલોની રાયે પણ પાણીને સંરક્ષણ અને પાણી વેસ્ટ ન કરવા અપીલ કરી હતી. જો પાણી વેસ્ટ થશે તો ભવિષ્યમાં લોકો પાણી માટે તરસશે. પાણી બચાવવું એ જ આપનું લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ. પાણી વગર જીવન શક્ય નથી. વરસાદી પાણીનો વધુ ને વધુ સંગ્રહ કરવો જોઈએ, જેથી આપણી આવનાર પેઢીને પાણીની સમસ્યા ના વેઠવી પડે. કાર્યક્રમ દરમિયાન ઉપસ્થિત મહાનુભાવો દ્વારા દરેક લોકોને જળ શક્તિ સંરક્ષણ માટે શપથ ગ્રહણ કરાવવામાં આવી હતી અને સ્કૂલ કેમ્પસમાં વૃક્ષારોપણ કર્યું હતું, જેમાં ઉપસ્થિત મહેમાનો, શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ વૃક્ષારોપણ કર્યું હતું. મીનાક્ષી ગઢવી, ZS TV, દીવ. दिल्ली से आई हूँ और प्रधानमंत्री जी ने जो जल शक्ति अभियान शुरू किया है 256 डिस्ट्रिक्ट में, ये 1 जुलाई से चल रहा है, जिसमें दीव जो यूनियन टेरिटरी है उसको भी चूज किया गया है. और ये मेरा दूसरा ट्रिप है. हमारी 3 लोगों की दिल्ली से टीम आती है, जिसमें मैं हूँ, फजल महमूद साहब हैं और कार्तिक जो टेक्निकल एडवाइज़र हैं वो अहमदाबाद से आते हैं. और ये हमारा दूसरा ट्रिप रहा है. पहले ट्रिप पे जब हम आए थे तो हमने जगह जगह पूरे दीव डिस्ट्रिक्ट में जाके अलग अलग जगहों पे इस चीज़ का चयन किया था कि कहाँ कहाँ पे हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं. तो उसमें कुछ तालाब चुने गए, आपकी जो लेक्स हैं यहाँ पे इनको चुना गया, और कुछ रेन हार्वेस्टिंग के लिए हमने रूफ टॉप पे रेन हार्वेस्टिंग के उनको जगहों को चुना है. इस बार जब हम लोग आए हैं तो हमने उन जगहों का फिर से एक बार उनको जाके देखा है कि कहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है. कुछ जगहों पे काफ़ी अच्छा काम हो गया है, कुछ जगह क्योंकि पिछले 1 महीने से काफ़ी बारिश हो रही है तो उसके वजह से थोड़ा सा टाइम डिले चल रहा है. बट उम्मीद करती हूँ कि अगले 10-15 दिन में, क्योंकि अब बारिश थोड़ी हल्की हो गई है, तो वो काम भी जो अभी चल रहे हैं वो और स्पीड से आगे हो जाएंगे. पिछले 2 दिनों का सफ़र जो यहाँ का रहा है बहुत ही खूबसूरत रहा है, क्योंकि हम लोग ने 3 स्कूल्स को विज़िट किया है. एक स्कूल में हम लोग ने जो नवोद्यालय में हम लोग गए थे दोपहर में कल, और वहाँ पे हम लोग गर्ल स्काउट से मिले. आज सुबह हम यहाँ आए हैं जहाँ पे आज भी हमने वृक्षारोपण किया है. कल सुबह भी हम लोग एक और स्कूल में गए थे जहाँ पे हम लोग ने क्विज कंपटीशन हुआ था, तो क्विज़ भी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि उससे ये भी पता चलता है कि बच्चों में अवेयरनेस बढ़ रही है. कुछ क्वेश्चंस के जो क्विज़ में पूछे जा रहे थे शायद हम सबको भी उनके जवाब नहीं पता थे, तो अच्छा लगता है कि जैसे बच्चे चीज़ों को समझ रहे हैं और वो हम सबके आगे फ्यूचर एम्बेसडर्स हैं. दीव वैसे बहुत ही एक खूबसूरत जगह है, एक टापू है, तो यहाँ पे जब बाहर से आते हैं तो लगता है कि शायद कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी बिकॉज टूरिज्म रिच प्लेस है. बट जब आप आते हैं तो पता चलता है कि अपनी भी छोटी जगहों पे अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जो हमारे जो टेंडर्स भी पड़े थे उनको हमें 2-3 बार करना पड़ा, क्योंकि कोई टेकर नहीं होता है, कई बार सिंगल कॉन्ट्रैक्ट आता है, उन सब की चीज़ों की वजह से डिले रही है. टीम का जो है, जो DM की, पिछले DM या अभी जो नए DM आए हैं उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट रहा है. जो आपके यहाँ की पूरी टीम्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे से सब लोग काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब ये प्रोसेस चलता रहेगा. और हम लोग का भी एक हो गया है कि दियो के साथ एक रिश्ता जुड़ गया है, कि शायद इतने साल की मेरी भी 25 साल की नौकरी हो रही है
तो हम लोग जगह जगह पे जाते हैं और इतने लंबे करियर में मैंने बहुत सारे स्टेशन विजिट किए हैं, पर बार बार एक जगह आने से आपको उस जगह से भी प्यार हो जाता है। तो उस तरह से मैं कहूँगी कि दियो के साथ भी हमारा भी एक पर्सनल लगाव हो गया है और मेरी अब तीसरी विजिट भी जल्दी ही होगी क्योंकि इस पर एक डेडलाइन चल रही है पीएम साहब की। तो हम लोग उम्मीद करती हूँ कि हम लोग 10 दिन के अंदर आपसे फिर मिलेंगे। पिछले 3 दिन से हम बहुत सारी स्कीम्स में जागरूकता के लिए हम बहुत सारे हमने कार्यक्रम का आयोजन करवाया है जिसमें भारी मात्रा में हमने वृक्षारोपण पे ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि जितना हम पर्यावरण का ध्यान रखेंगे, जितना हम जल संरक्षण के लिए ध्यान रखेंगे, उतना ही हमारा प्रकृति से हमें ये दीव जैसी जगह पे जहाँ पे मोस्टली हमारी नेचुरल हमारी रिसोर्सेज हैं वहाँ पे हमें उतना ही नेचर का ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो इसीलिए हमने अवेयरनेस जनरेशन के लिए कल हमने घोघला बीच पे करीब करीब 500 पौधों का वृक्षारोपण वहाँ पे करवाया है और हमने स्कूल्स में भी जाके ड्राइंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, कल शाम को हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमने एक तरीका निकाला था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, पोषण माह चल रहा है, जल शक्ति अभियान का ये हमारा फर्स्ट फेज का ये प्रोजेक्ट मोड पे चल रहा है, स्वच्छ भारत के तहत हमारा ये स्वच्छता पखवाड़ा भी आने वाला है, तो हमने इस स्मार्ट सिटी है दीव, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमने सारी कन्वर्जेंस मोड में हमने कल डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स की डिफरेंट डिफरेंट टीम्स बनवाई जहाँ पे उन्होंने टग ऑफ वॉर में पोषण अभियान वर्सेज डिजिटल इंडिया वर्सेज जल अभियान वॉरियर्स, तो ये सब ताकि बच्चों को भी पता हो, एटलीस्ट दे कनेक्ट टू वन कॉज, जिस टीम की वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उस कॉज के लिए भी हमारे चैंपियंस बन जाए, तो नथिंग लाइक इट। सो ये दीज आर ऑल इनिशिएटिव्स जो हम ट्राई कर रहे हैं कि बच्चों में उतनी जागरूकता रहे क्योंकि वही हमारे दे आर द फ्यूचर ऑफ आर नेशन। सो वी आर ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स की हम लोग सोसाइटी में लोगों में, कल के इवेंट में भी इतने लोग, देयर वर सो मेनी स्पेक्टेटर्स, तो कहीं ना कहीं जितना हमें प्रोग्राम करते हैं कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में लोगों की जागरूकता आती है, लोग उसको अगर अपनी दिनचर्या में भी थोड़े ऑल्ट्रेशंस करें कि वो पानी व्यय नहीं करें, वेस्ट नहीं करें, उससे भी हम वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमने 3 दिन में हमने फोकस्ड अप्रोच से हमने अवेयरनेस जनरेशन और हर ऑलमोस्ट पूरा दीव हमने कवर किया है। तो ये सब इनिशिएटिव्स हम कर रहे हैं ताकि हम इन डिफरेंट स्कीम्स के तहत हम लोगों में जागरूकता भी ला पाएं और हम आज हमारी जल शक्ति अभियान अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन करवामां महानुभवे पोताना कर कमल द्वारा वृक्षारोपण कर आ शाला नु गौरव अपना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ए देश में वती जती पानी की तंगी निवारण अमुक प्रदेशों में जल बचाव संदेश आप જેના કારણે આજે અમારી સ્કૂલમાં પણ જળ બચાવવા વિશે કાર્યક્રમ થયો હતો જેમાં જોઈન્ટ સેક્રેટરી શ્રી અલકારણજી અને દીવના કલેક્ટર સલોનીરાય મેડમજીએ અને દીવના અનેક મહાનુભવોએ પોતાના કર કમલો દ્વારા વૃક્ષારોપણ કરીને આ શાળામાં વૃક્ષારોપણ કરીને તેનો સંદેશ આપ્યો છે અને અમે પણ તેવી બાહ્યંતરી આપીએ છીએ કે અમે પણ વૃક્ષોનું જતન કરશું અને તેમનું વૃક્ષોમાં વધારો લાવશું।